नमस्कार, झाझा नगर परिषद को मिला 4 करोड़ का फंड। झाझा चेयरमैन संजय यादव ने झाझा नगर परिषद में एक बैठक रखी, जहां झाझा के तमाम समस्याओं पर बात की गई। झाझा नगर परिषद 82 योजनाओं पर धीरे धीरे काम शुरू करेगी, चाहे वो राशन कार्ड हो, नाली साफ करना, बिजली से संबंधित समस्या, जल जमाव, रोड की समस्या, इसके लिए 4 करोड़ का फंड भी उपलब्ध है। झाझा चेयरमैन ने कहे कि सबसे पहले नाला की साफ सफाई और जल जमाव पर ध्यान देंगे, ताकि मलेरिया, डायरिया जैसे खतरनाक बीमारी ना फैले। स्ट्रीट लाइट जो 24 घंटे तक कभी कभी जली रह जाती है, इसके लिए डेली बेसिस पर इलेक्ट्रिशियन रखा जाएगा और नल जल के रख रखाव के लिए एक प्लम्बर भी रखा जाएगा। उन्होंने सभी पार्षद को चेतावनी भी दी कि नल जल का काम सही से कराएं। सब्जी मंडी के दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है कि सब्जी का छिलका नाली में ना फेंकें, नहीं तो कार्रवाई होगी। रनिंग रूम के सामने वाला रोड और रेल ओवर ब्रिज के नीचे वाला रोड की मरम्मत नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे अंडर नहीं आता, ऐसा कथन चेयरमैन संजय यादव का था। क्योंकि रेलवे हमें LOC भी नहीं दे रही है, इसके लिए मैं वहाँ काम कराने में असमर्थ हूँ। और राशन कार्ड तमाम लोगों का जल्दी बनेगा, जिनका राशन कार्ड में सूची में नाम नहीं है, जिनका राशन कार्ड सूची में नाम नहीं है वो जल्द ऑनलाइन करे, आगे कार्रवाई जल्द की जा रही है।